मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सख्त लहजे को एक बार फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है, हमारा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है। ऐसे में अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, किसी भी रूप में प्रदेश और निजी संपत्ति को दंगे के रूप में नुकसान पहुंचाएगा, उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने उस नुकसान की भरपाई उन्हें दंगाइयों से वसूल करने की बात कही। उन्होंने कहा राज्य को एक सख्त कानून की जरूरत है, जल्द यह कानून प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। असर पड़ेगा उससे आपको? उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगारोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए हमारे लिए जरूरी था और इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी।